आज विधानसभा के अंदर बीजेपी के विधायकों की तरफ से स्थगन दिया गया है बिजली की दरों की बढ़ोतरी को लेकर। सरकार एक तरफ वाहवाही इस बात की लूट रही है कि हमने बिजली की दरों में कमी कर दी, 100 यूनिट फ्री कर दी, 200 यूनिट फ्री कर दी, लेकिन सरकार दूसरे रास्ते के अंदर 2018 के अंदर कहा था कि एक पैसा बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे, लेकिन बिजली की टैरिफ में बढ़ोतरी नहीं करके फ्यूल चार्ज के रूप में, अतिरिक्त चार्ज के रूप में अनेकों बार दरें बढ़ाने का काम सरकार ने किया। पिछले 3 महीने के अगर आंकड़े उठा के देखें, एक बार 33 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने का काम किया, एक बार 45 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने का काम किया, और एक बार अभी वर्तमान में 52 पैसे प्रति यूनिट का भार उपभोक्ताओं के ऊपर डाला गया, बिजली की अघोषित कटौती। आज यदि आप किसान का या आम उपभोक्ता का ट्रांसफर जल जाए तो भी 5 दिन पहले उसको मिलना मुश्किल है, 5 दिन के अंदर किसान की फसल पूरी चौपट हो जाती है। तो सरकार सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों के अंदर दिख रही है, अपनी वाहवाही लूटने का काम कर रही है, लेकिन धरातल के ऊपर जो काम होने चाहिए वो एक भी दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, इस सरकार के अंदर एक घटना नहीं है, एक इनका विधायक जिनके बेटे के ऊपर दुष्कर्म के मामले दर्ज होता है, पहले तो पुलिस दर्ज नहीं करती है, कोर्ट के हस्तक्षेप से मुकदमा दर्ज होता है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर एमएलए के लड़के को बाहर निकाला जाता है। जब कोर्ट ने बुलाकर एसपी को कहा कि हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो आनन बानन के अंदर विधायक का बेटा गिरफ्तार होता है, कई विधायकों के रिश्तेदार जायज नाजायज कामों के अंदर लिप्तता उनकी सामने आई है, और अब जयपुर के एक मंत्री जो अपने आप के अहंकार के अंदर भरे हुए मंत्री के भतीजे का मामला सामने आया। मैं ये कहता हूँ, कोई भी व्यक्ति किसी का भी रिश्तेदार हो सकता है, परिवार का सदस्य हो सकता है, गुनाह कर सकता है, लेकिन मंत्री का दायित्व है कि गुनहगार को कानून के दायरे के अंदर सजा भी मिले, लेकिन FIR दर्ज नहीं होना और दूसरी तरफ सरकार ढिंढोरा इस बात का पीटे कि हमारी हर मामले को लेकर कोई भी फरियादी जाएगा FIR दर्ज करनी पड़ेगी। अब राजधानी के अंदर मंत्री के रिश्तेदारों के विरुद्ध FIR दर्ज नहीं होना इस बात को प्रमाणित करता है कि FIR भी सरकार के नुमाइंदे चाहेंगे तो दर्ज होगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं दर्ज होगी। ये गंभीर मामला है, सरकार को आगे आके कार्रवाई करनी चाहिए, मंत्री जी को खुद को कहना चाहिए गलती की है, सजा मिलनी चाहिए, तो उनका भड़कपन झलकेगा। अगर ऑफ रिकॉर्ड अगर तमाम विधायकों से आप बात करो तो मेरा दावा है 80% विधायकों का दर्द झलकता हुआ नजर आएगा कि इस सरकार ने हमारी नहीं सुनी। लेकिन अब टिकट लेना है 2023 के चुनाव में, इसलिए बहुत कम विधायक ऐसे हैं जो मुकर होकर अपनी बात कह रहे हैं।